राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स में एंट्री कंफर्म है, बीजेपी की टिकट की इस सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। वेल गाइस, कंगना रनौत बॉलीवुड की बेबाक राय रखने वाली क्वीन हैं और वही खबरें आ रही हैं कि एक्ट्रेस बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अभी कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती है। एक्ट्रेस हर मुद्दे पर अपनी राय रखती है और कई बार इसके चलते वो ट्रोल भी होती हैं और कंट्रोवर्सी से घिर जाती हैं। कंगना के इस बेबाक अंदाज को देखते हुए काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे, रूमर्स फैले जा रहे थे कि एक्ट्रेस राजनीति में एंट्री ले सकती हैं। तो वहीं अब ये कहा जा रहा है कि कंगना लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इन खबरों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। कंगना रनौत के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के रूमर्स तो फैले ही हुए हैं, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल अपकमिंग लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की अनाउंसमेंट हो चुकी है और इसके साथ चर्चा हो रही है कि कंगना को बीजेपी हिमाचल की मंडी सीट से मैदान में उतार सकते हैं। वेल, वहीं कंगना भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी हैं। ऐसे में एक्ट्रेस को हिमाचल की मंडी से टिकट की मजबूत दावेदार माना जा रहा है। यहाँ ये भी बता दें कि बीजेपी अब तक हिमाचल प्रदेश की 4 में से 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। 2 सीटें कांगड़ा और मंडी बची हैं। सोर्सेस के मुताबिक बीजेपी मंडी सीट से उम्मीदवारी के लिए कई नामों पर विचार कर रही है, जिनमें कंगना रनौत का भी नाम शामिल है। तो वहीं हाल ही में रिसेंटली मीडिया से बातचीत के टाइम कंगना रनौत ने चुनाव को लेकर कहा था कि मैं बीजेपी पार्टी की स्पोक पर्सन नहीं हूँ, ये ऐलान करने के लिए ये सही जगह और समय नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका ऐलान पार्टी अपने हिसाब से और सही समय सही जगह पर करेगी। हालांकि कंगना रनौत ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की बातों से भी इंकार नहीं किया। कंगना रनौत के वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो एक्ट्रेस की लास्ट रिलीज फिल्म तेजस थी। तेजस थिएटर्स में कई कमाल नहीं दिखा पाई। वहीं अब कंगना की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर काफी चर्चा है और खास बात यह है कि इस फिल्म को कंगना रनौत ने ही डायरेक्ट किया है। पॉलिटिकल ड्रामा इमरजेंसी में कंगना ने इंडिया की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया। कंगना की पिछली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई थी। ऐसे में एक्ट्रेस को इमरजेंसी से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। मतलब आपके इस पर क्या व्यूज है मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। एंड फॉर मोस्ट अपडेट्स डू फॉलो आवर पेज।